प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मैंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना, अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में 12 नंबर की आएगी और आती है, ध्यान रखें। हम आपसे बार बार कह रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व भी करा देंगे और इसी के आधार पर आपको फार्मूले भी याद कराते चलेंगे। हम आपको फार्मूले भी याद कराते चलेंगे, इसलिए आप ध्यान दें। यहाँ पर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तीर से दो निशाने हैं, आम के आम, गुठलियों के दाम हैं। ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए हम समझा रहे हैं आपको। कॉट थीटा बराबर जीरो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। कॉट थीटा बराबर जीरो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में, कॉट थीटा बराबर जीरो तो कॉट में जीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़रा ध्यान दें। कॉट थीटा बराबर जीरो तो कॉट में जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉट नब्बे। कॉट में जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉट नब्बे, ज़रा ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपका कॉट से कॉट हट जाएगा, थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, नब्बे। अब ज़रा आप ध्यान दें, आपको थीटा बराबर क्या मिल गया, नब्बे। आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइन थीटा का मान निकाल कर लाओ, थीटा का मान यहाँ पर क्या मिला, नब्बे। हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप जहाँ पर थीटा है आपका साइन नब्बे हो जाएगा, तो साइन नब्बे का मान आपका क्या होता है, वन। ज़रा ध्यान रखें, साइन नब्बे का मान क्या होता है, बन। हम आपको क्वेश्चन में फार्मूले भी याद करा रहे हैं और आपको सोल्यूशन भी करा रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, आम के आम, गुठलियों के दाम। आप वीडियो देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।